फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर सिस्टर्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चावल के आटे से झटपट बनने वाला स्नैक्स। इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा लगता है। इसको आप नाश्ते में या शाम को टी टाइम स्नैक्स में बनाइए। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी चावल का आटा, थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, एक छोटा कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, और खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही में मैंने ये लिए हैं बॉयल आलू। तो इसको हम इस तरीके से हाथों से फोड़कर इसमें डाल देंगे। और मैं ले रही हूँ एक छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, और एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अब इन सभी सामग्री को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपको ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हथेलियों में थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको शेप देना स्टार्ट करें। मैं सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ, आप इसको गोल गोल बॉल्स या पेंसिल या टिक्की के रूप में कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब हम इसको फटाफट से इस मिश्रण से सभी की शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इनको एक एक करके फ्राई करने के लिए डालेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और उलट पलट के अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकालते हुए हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो गया। अब हम इसी प्रकार से सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए झटपट से हमारे चावल के आटे के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जब भी आपको शाम के टाइम भूख लगे या नाश्ते में कुछ अच्छा खाने का मन करे तो झटपट से चावल के आटे के ये स्नैक्स बनाइए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।